हमने दूध 3 थैली दूध लाए हैं। आज बहुत ही यम्मी खीर बनेगी। तो हम थैली को काट देते हैं कैंची से। तो थैली को मैंने काट दिया, दूध की थैली को काटा है। एंड हम आप दूध को बहुत चलाना पड़ेगा, दूध को ये दूध में उबाल लानी है, इसलिए दूध को ना बहुत ही उबालना पड़ेगा। थोड़ी देर हम और उबालेंगे। ये देखिए दूध अच्छे से एकदम कम कर देने से, उबाल उबाल के गर्म करने से थोड़ा सा हम पानी मिलाते हैं। पर आप चाहे तो पानी ना मिलाए, तो आप ज़्यादा दूध हो तो आप पानी ना ही मिलाए। अब हम अलग से इलायची ये सब कूट लेते हैं। इलायची ये हमने कूटा है, इसे हम दूध में डाल देंगे। और ये देखिए दूध कुछ थोड़ा सा जो पीला पीला सा हो रखा है, इसे दूध का भी हमें और उबालना है। इसे बहुत गाढ़ा करना पड़ता है खीर के लिए, तो कुछ ज़्यादा गाढ़ा करना पड़ता है, इसलिए हम इसको और चलाएंगे। बस ये वीडियो से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, सब आप खुद से खीर बना सकते हैं। इसे बहुत सारी चीज़ें आप अकेले वेट कर सकते हैं। तो हम दूध को अच्छे से उबाल दिया है हमने, अभी थोड़े और उबालेंगे हम दूध को। इसमें से वो कुछ काजू बादाम बचे हैं वो भी डाल देते हैं। हम सारे डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इससे। अब हमारी खीर में डालेंगे चावल, जिससे खीर बनता है। तो चावल जरूर डलेगा ये। गाइस ये व्हाइट चावल है,
ये घर के जो चावल नहीं होते वो नहीं है, ये वाइट चावल है, खीर के स्पेशल चावल होते हैं, ये आपको अपने मार्केट लोकल मार्केट से मिलेगा। ये चावल हम खीर में डाल देंगे अच्छे से,